मैसेप शेफ तहसीन फ्रॉम जे आई एच एम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट इक्लेयर्स, चॉकलेट फिल्ड विद गनाश एंड क्रश और चॉकलेट मूस। मेरे साथ में दो स्टूडेंट्स हैं, मेघा एंड प्रियांशु। लेट वी स्टार्ट। हम पहले चॉकलेट्स बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास हम डार्क चॉकलेट्स हैं, व्हाइट चॉकलेट्स हैं। सो इसको हम पहले मेल्ट करके ले आते हैं। हम इसको फिल कर देते हैं, सही है। इसको ऐसे फिल करना है सबको। स्ट्रॉबेरी कंपोट हमें इसको थोड़ा सा कैप करना है। इसको हम कैप कर देते हैं और कैप करने के बाद में हम इसमें डार्क चॉकलेट जो हमारे पास मेल्ट भी रखी है वो डाल देते हैं। हम फ्रीज़र में रख देते हैं सेट होने के लिए, सीधा करते हैं फ्रीज़र में। इसमें जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं उसको डिमोल्ड कर देंगे, रखने दो दो पीस बीच में रखिएगा, इसमें लगा दीजिए इसको। ये एकदम सेंटर में होनी चाहिए बिकॉज जब इसमें चॉकलेट फिल्ड करेंगे पूरा तो वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, या जगह का गैप नहीं रहना चाहिए, सही है। अभी जो हमारे पास चॉकलेट्स हैं वो इसमें हम कवर करेंगे इस तरीके से। इसको फ्रीजर में ये चॉकलेट्स हमारे अब सेट हो गए, इसको हम निकाल देते हैं। सो चॉकलेट्स हमारी बन गई हैं, अब इनके हम रख देते हैं चिलर के अंदर। सो अब हम जाने जा रहे हैं चॉकलेट मूस, उसके लिए हमारे पास में चॉकलेट्स है, व्हिपिंग क्रीम है, चॉको चिप्स है, गनाश है हमारे पास में बनाया चॉकलेट्स गनाश। गनाश बनाने के लिए आपको कुकिंग क्रीम चाहिए होगी, जितना आप कुकिंग क्रीम ले रहे हो उसका डबल आपको चॉकलेट्स यूज़ करना है। आपको डबल पहले कुकिंग क्रीम को कुक कर लेना है, फिर गनाश उसके लिए आपको चॉकलेट्स में मिक्स करके उसको अच्छे से गनाश बनाना है। ध्यान दें कि इसमें लम्स ना हो और चॉकलेट्स ना बचे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बॉल ले लेते हैं, बॉल के अंदर हमें एक गनाश लेनी है जो हमने बना कर रखी हुई है। हमने गनाश ले ली। सो अभी हमने इसके अंदर चॉको चिप्स मिक्स करने जो हमारे पास में हैं, सारे इसमें इसके अंदर यूज़ कर देने। अभी हमने व्हिपिंग क्रीम जो व्हिप करके रखी हुई है, हम व्हिप क्रीम लेंगे। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम मिक्स करेंगे, व्हिप की हुई हमारी क्रीम थी हम मिक्स करेंगे। इसको हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, क्रीम और चॉकलेट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। सही, अंदर की तरफ में चॉकलेट्स डालनी है थोड़ी सी और बाद में उसको अच्छे से हमें दिखना चाहिए। थोड़ी चॉकलेट्स इसमें लगी हुई ग्लास को हमने डिज़ाइन कर दिया, सेम ऐसे इस पर बन गई। इसको छोड़, इसको ऐसे इस तरीके से हमने इसके अंदर इसको सीधा। अब इसको हम इसमें पाइप करेंगे, हमें ये एक साइड में पाइप करना है बिकॉज दूसरे साइड में हमें दूसरा वाला इसमें मूस डालना है। सही, लो ऊपर ऊपर करो, ऊपर ले जाओ उसको बस। ओके, इसको हम डार्क मूस बनाएंगे, इसमें थोड़ा गन्ना छोड़ डाल देते हैं। चॉकलेट्स लेगा वाली
इसको इस तरीके से हम इसमें भर दें मूस को, दोनों को हमने इसी तरीके से भर के और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे सेट हो जाएगा। थोड़ी सी चॉकलेट गनाश इसके ऊपर इसे इसमें डाल देनी है, गार्निश कर रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से, इसी तरीके से इस पर भी कर देंगे। हमारे पास ये चॉकलेट्स की गार्निशेज हैं, इसमें लगानी है। हमने बना कर रखी है गार्निशेज। चॉकलेट इसमें हम करेंगे। अभी हम इक्लेयर्स बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले इसके लिए हमें शू पेस्ट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास है मैदा, बटर, सॉल्ट, शुगर एंड एग्स। सो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने पैन रखा, इसमें हमने इसको ज़ीरो करना है और पानी लेना है। पानी हमने लेना है 120 ग्राम। इसमें हमने अपना मटर को डाल देना है, इसमें हमने बटर डाल, सॉल्ट एंड शुगर। अभी हम इसको पैन पे लेके चलते हैं, तो गर्म करते हैं, मैदा हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। चलो इसको हम जो हमारा डो है इसको हम पाइपिंग में भर लेते हैं, तैयार किया हुआ है तो हम पाइप करेंगे इस तरीके से। ओके, सो ये हमारा हो गया, अब हम इसको बेकिंग के लिए लेके तैयार हो गए। हमारी एक क्रीम तैयार हो गई है, तो हम इसके अंदर फिल इसको हमने फिलिंग करनी है चॉकलेट के साथ में अच्छे से। अभी हमने इसको चॉकलेट्स में डिप करना है, हमारी चॉकलेट्स हैं, हमने इसको मेल्ट कर लिया है। हमारे पास स्प्रिंकल्स हैं तो हम इसको ऊपर यूज़ करेंगे। सही है, सो हम स्टार्ट करते हैं, इसको उठाकर इसको हमने सही से डिप करना है और हमने इसी तरह से इन सबको करना है। इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल्स लगाने हैं, हमारे पास में स्प्रिंकल्स हैं। ओके, तो इस तरह से सबको करना है। सो हमारे जो आइटम्स हैं वो सब रेडी हो गए हैं। सो मैं हमें बताएंगी ये हमारा क्या है। विच लिक्विड? स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट गनाश एंड कीवी। ये हमारा चॉकलेट मूस, ये हमने बनाया है चॉकलेट गनाश एंड विप क्रीम से, और ये हमारे क्लेयर्स हैं चॉकलेट से, इसको हमने फिनिश किया। सो व्हाट यू, आपने क्या सीखा आज? सर मैंने शू पेस्ट्री सीखी और ऑल्सो मैंने ये भी सीखा कि विप क्रीम कैसे यूज़ करते हैं चॉकलेट ऐड करते हैं। मैं काफ़ी दैट हाउ टू मेक चॉकलेट मूस एंड इट वाज लाइक अ रियली नाइस सेशन एंड वी हैव अबाउट द चॉकलेट्स, it is looking very nice and decent and we'll make it and we'll try to make it at home as well. Thank you.